लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद आज भाजपा ने भी बहुप्रतीक्षित धार क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित कर दिया है तथा धार से भाजपा के पूर्व सांसद रहे मनावर क्षेत्र के छतर सिंह दरबार पर भाजपा ने पुनः विश्वास जताते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही धार जिले की लोकसभा सीट की लड़ाई अब रोचक हो चली है। छतर सिंह दरबार पूर्व में धार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और उन्हें राजनीति के अलावा संसदीय क्षेत्र का भी अच्छा खासा अनुभव है। वहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर देखा जाए तो दिनेश गिरवाल भील समाज से आते हैं, वहीं छतर सिंह दरबार भिलारा समाज से आते हैं, जिनका की जिले में वोटों के हिसाब से वर्चस्व भी है और कहीं न कहीं इस दृष्टि से छतर सिंह दरबार को फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस के टिकट की बात की जाए तो कांग्रेस के टिकट को लेकर कई लोगों में अभी नाराजगी है एवं अभी तक लोगों को कांग्रेस के निर्णय पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। वहीं भाजपा की टिकट घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है तथा छतर सिंह दरबार के नाम पर मुहर लगने के बाद भाजपा क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं आगे देखना होगा कि चुनावी समीकरण किस ओर मुड़ते हैं।